हेलो एवरीवन, तो कल है वैलेंटाइंस डे। तो अगर आपको वैलेंटाइंस डे पर अपने पार्टनर को खुश करना है तो ये रेसिपी नोट कर लीजिए। तो चलिए आज बनाते हैं वैलेंटाइंस डे स्पेशल रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं स्वीट कॉर्न और उन्हें मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे ले लेंगे एक बर्तन, उसके अंदर रख देंगे स्टैंड और एक छलनी रख देंगे और इसके अंदर रख देंगे सारे स्वीट कॉर्न और उसे बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट में अच्छे से बॉईल हो जाएंगे, तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है थोड़ी सी सब्जियाँ, उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कैप्सिकम, बीच में से सीड्स निकाल के उसे कट कर लेना है। पीसीस आप जितने चाहो उतने रख सकते हो, यहाँ पे मैंने थोड़े से बड़े पीसीस उसके रखे हैं, आप छोटे छोटे पीसीस में भी कट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक प्याज और ये कैप्सिकम को मैं इस तरह बड़े बड़े पीसीस में कट कर रही हूँ, उसी तरह प्याज को भी कट कर लेना है। आप यहाँ पे पनीर भी ले सकते हो, उसे इसी तरह पीसेस में कट कर लेना है। ऑलिव्स, बेबी कॉर्न, कुछ भी यहाँ पे आप ले सकते हो जो आपको पसंद हो वो। तो चलिए, प्याज को मैंने कट कर लिया है और उसके पीसेस को इस तरह अलग कर लेना है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च भी ली है और इसे इस तरह तिरछा काट लेना है ताकि देखने में अच्छा लगे। सब कुछ मैंने कट कर लिया है और अब फ्रिज से लेके आते हैं थोड़ा सा सामान और बना देते हैं एक बढ़िया सा स्प्रेड। तो स्प्रेड बनाने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए लहसुन, तो लहसुन की 6 से 7 कलियाँ हमें चाहिए। तो लहसुन को मैंने छील लिया है। यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे कॉर्न भी बॉईल हो चुके हैं। अब ले लेंगे एक मिक्सचर जार, उसके अंदर डाल देंगे एक मुट्ठी भर के हरा लहसुन, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, एक चीज़ क्यूब ले लेंगे और उसे इस तरह तोड़ के डाल देंगे। यहाँ पर मैंने पनीर भी लिया है, पनीर को मैंने हाफ करके लिया है। 100 ग्राम पनीर है तो मैंने 50 ग्राम जितना पनीर लिया है और उसे इस तरह टुकड़ों में काट के डाल दिया है जार में। अब ले लेंगे थोड़ा सा बटर और बटर को भी हम पीसेस में कट करके ही लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जार का ढक्कन लगा देंगे और उसे क्रश कर लेंगे। तो इस तरह हमें पल्स मोड पे उसे क्रश कर लेना है। 1 से 2 मिनट मिक्सचर चलाने के बाद हमें उसे खोल लेना है और अब इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच भर के मलाई। तो ये घर की मलाई है, अगर आप चाहो तो फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हो। इससे जो हमारा स्प्रेड है बहुत ही स्मूथ बनेगा। तो ये देखिए, हमारा स्प्रेड एकदम रेडी है। यहाँ पे हमने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि बटर में और चीज़ में ऑलरेडी नमक होता है, तो नमक ऐड नहीं करना है। चलिए, यहाँ पे हमारे कॉर्न भी थोड़े बहुत ठंडे हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेते हैं। तो कॉर्न के दाने निकालने के लिए इस तरह एक लाइन हमें निकाल लेनी है। एक लाइन आप निकाल लोगे तो फटाफट से सारे कॉर्न अपने आप ही निकल जाएंगे, बहुत ही ईजीली ये निकल जाते हैं। तो चलिए, कॉर्न भी रेडी हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे ले ली है एक ब्रेड। ब्रेड हमारी एकदम फ्रेश होनी चाहिए, तो ब्रेड को इस तरह बीच में से हमें ट्रायंगल शेप में कट कर लेना है और उसके 2 किनारे मोड़ के उसमें लगा देनी है टूथपिक। तो ये देखिए, हमारा हार्ट शेप बनके रेडी है। देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और यूनिक भी लग रहा है। तो इस तरह सारी ब्रेड्स हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, सारी ब्रेड्स मैंने रेडी कर ली है और अब इसके ऊपर लगा देंगे स्प्रेड जो हमने रेडी किया था। ये वाले स्प्रेड को आप ब्रेड के ऊपर भी लगा के खा सकते हो, जिस तरह हम ब्रेड बटर खाते हैं उसी तरह आप खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए, सारे हार्ट पे मैंने स्प्रेड लगा दिया है और अब इसके ऊपर रख देंगे सब्जियां जो हमने कट करके रखी थी। तो सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी सब्जियां रख देनी है और अब इसके ऊपर रख देंगे थोड़ी थोड़ी चीज़। तो यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ ली है। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरेगानो। अब इसे हमें बेक कर लेना है, मतलब कि जब तक चीज़ मेल्ट ना हो जाए तब तक इसे हम बेक कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में अच्छे से चीज़ मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ओवन में रख दिया है और 2 मिनट का मैंने टाइमर लगा दिया है, 2 मिनट में चीज़ मेल्ट हो जाएगी। तो चलिए, 2 मिनट हो चुकी हैं और हमारी जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो चुकी है। अब निकाल लेते हैं उसे बाहर और अब लास्ट में उसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा केचप। तो ये देखिए, हमारे हार्ट्स बन के बिल्कुल रेडी हैं, देखने में एकदम यूनिक लग रहे हैं और टेस्ट में बहुत ही बढ़िया। तो इस वैलेंटाइन पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। आई एम 100% श्योर कि आपके पार्टनर को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।